भीषण गर्मी को भी जहां होता है ठंडक का एहसास। देवों की तपस्या करने का यह देवस्थान, प्राकृतिक गुफा के मुहाने, कल कल बहता झरना, पत्थरों की खूबसूरत गुफा हो, आसपास पहाड़ों की ऊंची कतार और सामने परिसर में हरे भरे वृक्ष एवं गुफा के मुहाने कल कल बहता झरना, ऐसे स्थान पर क्यों किसी का मन भगवान की इस अद्भुत रचना के प्रति मोहित नहीं होगा। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां ऋषि मुनि तो क्या देवता भी किसी युग में साधना एवं तपस्या किया करते थे। इसी से इस स्थान का नाम देवनाला के नाम से प्रसिद्ध है। आइए आपको इस अनोखे और मनोरम स्थल की सैर कराते हैं। यह स्थान जो कि अब एक प्रसिद्ध पिकनिक एवं पर्यटक स्थल बन चुका है, यह डिंडोरी जिले के अंतर्गत आता है। मल्ला डिंडोरी मार्ग पर ग्राम सक्का से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है यह मनोरम स्थल। इसके लिए सक्का से मालपुर मार्ग पर जाकर थोड़ी दूर में दाहिनी ओर मुड़ना है और आधे किलोमीटर पर ही है तराई में यह स्थान। यहाँ तक जाने के लिए अब सीढ़ियाँ बना दी गई हैं जिनके माध्यम से आसानी से नीचे पहुँचा जा सकता है। पहले सीढ़ियाँ ना होने से लोगों को नीचे तक जाने में असुविधा होती थी। लगभग 100 सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक ऐसे स्थान पर हम पहुँचते हैं जहाँ तीनों ओर पहाड़ी एवं एक ओर कल कल बहता झरना नजर आता है। झरने के पीछे ध्यान से देखने पर गुफा नजर आती है। जब इस ओर और आगे जाएंगे तो पानी के पीछे एक बड़ी गुफा स्पष्ट नजर आने लगती है और जब इस गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो रोमांच हो आता है। भीषण गर्मी में भी यहाँ की ठंडक अनोखा एहसास कराती है। यहाँ झरने के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित है जिसमें पूरे समय भगवान शिव का जल अभिषेक होता रहता है। यहाँ से दिखाई देने वाला दृश्य अत्यंत ही मनोरम है। और देखिए इस गुफा की बनावट, छत के रूप में पत्थरों की विशाल चट्टानों की श्रृंखला जो कि मोहित करने वाली है और नीचे ऐसी शीतलता का एहसास कि बस अब पानी ऊपर ही आने वाला है। प्रकृति का हमको दिया गया यह उपहार जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। यहाँ आने के बाद तो मोह माया से विरक्ति होने लगती है। वर्तमान में यहाँ विभिन्न तरह के फलदार वृक्ष भी लगे हुए हैं। छोटे छोटे
चार छह मंदिर भी हैं। एक बाबा जी की झोपड़ी भी है जहां धूमी रमाए बाबा जी विराजमान हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इस स्थान के बारे में। ये देवनगर नाला है, ये पहले पुराना में देव नाला के नाम से कैसे रखे गया है कि पहले के देवता रहा है, देवता रहा है, जैसे कि गाय जैसे हाँकने जैसे भक्ते थे, तो यहाँ गुफा है आपने देखे होंगे। हाँ, उसको अपना सभी कोई किसे वेदन कर रहे हैं कि बढ़ने चाहो आ रहे हैं इसको। ये बहुत पुराना है गुफा, जो भी सोच के आओगे तो आपके यहाँ पूर्ण काम होता है। हाँ, बहुत रोग इनको मैंने धुनी ज्यादा नहीं धुनी उठा के दिया हूँ, रोते आया है, हंसते भगते हैं। जंगली जानवर भी आते हैं, जो है आपने शेर भी आ जाता है अम्मावस पुनवासी को, पांच मुख का नागिन भी निकल जाता है, बंदर है ये भी आ जाते हैं, जानवर आते रहते हैं, सांप है, जानवर है। यहाँ रोजाना आने जाने वालों की भीड़ तो रहती ही है। गर्मी के दिनों में आसपास के ग्रामों के लोग भी समय बिताने यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही इन युवकों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि ये जो नाला कहलाता है यहाँ देव का वास का पहले पिकनिक मनाने लोग बाग आते हैं यहाँ। जी आते हैं यहाँ रोजाना। जी बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, खाना पीना परिवार सहित आते होंगे। जी, फैमिली सहित आते हैं पूरा। ये पूरे 12 महीने यहाँ अच्छी ठंडक रहती है, है ना, फर्स्ट क्लास स्थान है। मेला कब लगता है? मकर संक्रांति शिवरात्रि में, है ना। हालांकि बीते वर्षों में इस स्थान को संरक्षित किया गया है, लेकिन और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे मनोरम स्थलों से न केवल ज्यादा से ज्यादा लोग परिचित हो सकें, बल्कि ऐसे प्राकृतिक उपहारों को लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित भी रखा जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके।